और अब खबर पश्चिम बंगाल के नदिया से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मारे गए कार्यकर्ता की पहचान हफीजुल शेख के रूप में हुई है, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शनिवार शाम को हफीजुल शेख की चाय की दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके सिर पर गोली मारी गई है। पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता के परिवार ने दावा किया है कि वो हाल ही में भाजपा में शामिल हुआ था, इसलिए उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित यानी दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मुख्य आरोपी की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपको बता दें, छठे चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले पूर्वी मिदनापुर में एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक टीएमसी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ था। पहली घटना पूर्वी मिदनापुर के महिषा दल की है, जहां चुनावी रंजिश में एसके मोइबुल नाम के एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। मृतक टीएमवाईसी के उपाध्यक्ष थे। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि जब मोइबुल कल रात घर लौट रहे थे, तो बीजेपी के कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में महिषा दल थाना पुलिस ने 5 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया था। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें बीजेपी के एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस झड़प में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। घटना 22 मई देर रात नंदीग्राम के सोनचूरा में हुई। यहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने धारदार हथियार से बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया। झड़प में मृतक महिला बीजेपी कार्यकर्ता का नाम रथीबाला आड़ी है।